नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे संपूर्ण प्रयागराज का कुंभ मेला। इस कुंभ में आप कैसे आए, कहां स्नान करें, क्या क्या है मनोरंजन के साधन व कुंभ मेले में आप कहां ठहरें, ये सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। सैकड़ों वर्षों से लगातार चले आ रहे महाकुंभ में आस्था का स्नान मेला इस बार चालू होने जा रहा है। 6 जनवरी 2023 व 18 फरवरी तक चलेगा। यह प्रयागराज का माघ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। इस मेले में अपने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। दोस्तों, आखिर यह कुंभ मेला स्नान कैसे चालू हुआ, इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को अमृत का औषधि माना जाता है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान बनाया गया था। दिव्य निर्माता भगवान ब्रह्मा ने असुरों की मदद से अमृत का मंथन करने के लिए देवताओं को निर्देश दिया। जब असुरों को देवों की योजना के बारे में पता चला कि वे इसे उनके साथ साझा नहीं करेंगे, तो उन्होंने 12 दिनों तक देवों का पीछा किया। माना जाता है कि कुंभ मेले के 4 स्थान वे स्थान है जहां अमृत की बूंदें उस कुंभ से गिरती हैं, जबकि इसे एक देव द्वारा असुर के हाथों से बचाने के लिए ले जाया गया था। 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी, जिससे इस स्थलों को रहस्यमय गुण मिले। 4 पवित्र नदियां इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जो स्नान अनुष्ठान का स्थान बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की तारीख के दौरान संगम का पानी अमृत में बदल जाता है, जिसे दिव्य गुण होते हैं। जो तीर्थयात्री इस कुंभ में स्नान करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। यही है पौराणिक कथा कुंभ के पीछे। अब हम आपको बताएंगे इस प्रयागराज के कुंभ में आप स्नान कैसे करें। दोस्तों, आप इस प्रयागराज के कुंभ में अगर इस वर्ष स्नान करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इस कुंभ तक पहुंच सकते हैं। इस प्रयागराज कुंभ के मेले में आप हवाई यात्रा, ट्रेन, बस व अपने निजी साधन से इस कुंभ तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको स्नान करने की विधि बताते हैं। दोस्तों, जब आप संगम के घाट पे आएंगे, तब आपको बहुत ढेर सारा नौकायान देखने को मिलेगा। इस नौकायान में आप बैठकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं संगम के उस छोर के पास, जहां दूर दूर से लोग आकर इस संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के बीच धारा में, जहां करते हैं लोग स्नान। अगर आप संगम में नाव से स्नान करना चाहते हैं, तो आपको पर पर्सन 60 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप बुकिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको 500 से लेकर 600 रुपये देना होगा, जिसमें 5 से 6 लोग आराम से जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप नाव में सवार होकर बीच धारा में पहुंचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा साइबेरियन पंछी देखने को मिलेगा। इस संगम के नदी में आपको चारों तरफ नाव ही नाव दिखेगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यह एक एडवेंचर सफर है दोस्तों। जी हाँ, एडवेंचर सफर। तो साथियों, अब हम पहुंच गए हैं संगम के उस स्थान पे, जहां लोग भारी मात्रा में स्नान करते हैं।
यहाँ आने के बाद आप अपना कपड़ा निकालकर नाव से नीचे उतरकर आपको स्नान करना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे खास बात आपको यह बता दें, इसी जगह पे तीनों नदियों का मिलन होता है जिसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। इस पवित्र स्थान पे आप स्नान करके पुण्य का भागीदारी जरूर बने। यह स्नान आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्नान रहेगा। इस संगम के कुंभ में लाखों भक्त स्नान करते हैं इस स्थान पे आकर, और आप इसी जगह पे माँ गंगा का पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। अब हम लोग स्नान करके अपने नाव पे सवार हो गए हैं, अब चलते हैं गंगा घाट के किनारे। अब हम संगम स्नान कर चुके हैं, अब आपको बताएंगे इस कुंभ मेले में ठहरने व मनोरंजन के क्या व्यवस्था है। दोस्तों अगर आप इस बार प्रयागराज कुंभ में अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप इस संगम में ऊंट घोड़े की एक शानदार सवारी कर सकते हैं। आपको यहां रेगिस्तान जैसा फील होगा और इसकी सवारी करके आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप ऊंट या घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो आपको पर पर्सन 60 रुपये से 100 रुपया देना होगा, जिसमें दो लोग आराम से सवारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ठहरने की क्या व्यवस्था है इस कुंभ में। दोस्तों इस वर्ष 2023 में कुंभ में आपको लाखों टेंट लगा देखने को मिल जाएगा। आप आराम से इस टेंट में रह सकते हैं, बस आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इस टेंट में बड़े बड़े साधु संत निवास करते हैं जिनके साथ आप आराम से रह सकते हैं और संध्या भजन आरती कर सकते हैं। और इस कुंभ में इस बार प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही एडवांस रहेगी, जिससे आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जगह जगह पानी शौचालय की व्यवस्था कराया गया है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो दिए गए इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए कोई चार्ज नहीं है, आप 24 आवर आप कभी भी कहीं से भी फोन कर सकते हैं। और दोस्तों रही खाने पीने की व्यवस्था, आपको इस कुंभ में तमाम प्रकार के व्यंजन खाने को मिल जाएगा और इस मेले में आपको 5-स्टार होटल भी मिल जाएगा। तो साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुंभ।